हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो ग्राम पंचायत सहायक का ट्रेनिंग होने वाला है। तो ट्रेनिंग होने से पहले जो फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में कि वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पंजीकरण प्रपत्र। तो पंजीकरण प्रपत्र में आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। ये फीडबैक आपको लिया जाएगा कि जो ट्रेनिंग कराएंगे उनके उनके पास ये सब जमा होगा। प्रशिष्ट 2 और प्रशिष्ट 3, तो 3 अभी दिखा रहे हैं, पहले 2 को देख लेते हैं। पंजीकरण करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा, तो चलिए इसे और जूम कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला है प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपका जो डेट होगा जिस दिन का वो डेट भर दीजिएगा। ठीक, प्रशिष्ट स्थल का जहाँ पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है लखनऊ में, तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा उसका पूरा पता। अब देखिए पंजीकरण प्रपत्र, तो यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है और आपका पद नाम, तो जो आपका पद नाम है वही भरना है। ठीक, तो जो आपका अपना नाम भर ही लेंगे और पद नाम में जो आप हैं ग्राम पंचायत सहायक, तो आपको ये भर देना है। वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे विभाग संस्था का नाम, तो जो आपका विभाग होगा और संस्था होगा तो आपको भर देना है। ठीक, आपको जिला भरना है। ठीक, कि किस जिले से है। वैसे ही आपका व्यवसाय भरना है कि आपकी जो पंजीकरण हो रहा है तो कौन सी नौकरी, प्राइवेट हो रहा है या सरकारी हो रहा है या सेवानिवृत्त या कैसी नौकरी है, वो आपको यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। वैसे यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता भरना है कि आप हाईएस्ट कितने पढ़े हैं, मतलब 12 तक पढ़े हैं तो ठीक है, ऊपर पढ़े हैं वो भी आपको भर देना है। उसके बाद आय और जन्म तिथि आपको भरना है कि आपकी उम्र कितनी हुई और क्या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आ जाइएगा तो आपका पूरा अपना डिटेल में एड्रेस भरना है, पूरा मतलब लिख के ग्राम पोस्ट जिला है सब लिखना है, ब्लॉक भी लिख देना है। उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे तो अपना पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना दे देना है। चलिए इसे और ऊपर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर आपको भरने के बाद आप देखिए क्या भरना है, ईमेल आईडी, तो जो आपके पास ईमेल आईडी है वो आपको भर लेना है। तो हम आपको ईमेल आईडी हमेशा बताएं कि स्मॉल लेटर में ही भरना है, कैपिटल लेटर में नहीं भरना है। तो सबके पास ईमेल आईडी होगा ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक इंटरनेट पर अब काम करने वाले हैं तो ईमेल आईडी तो ज़रूर आप लोग अपना बना लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर का है कि आप पूर्व में इस प्रकार के किसी अन्य प्रशिक्षण, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या इससे पहले आप किसी अन्य टेक्निकल मतलब नॉलेज का ज्ञान लिया है, मतलब कंप्यूटर का कोर्स और कोई भी किए हैं। यदि किए होंगे तो हाँ पे टिक कर दीजिएगा और ना को काट दीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तो हाँ को काट दीजिएगा, नहीं को रहने दीजिएगा। तो देखिए अब अगर किए होंगे तब आपको 12 नंबर भरना है, तो उनका ब्यूरल भरना है कि क्या क्या किए हैं। ठीक, उसके बाद 13 नंबर का है अन्य कोई ब्यूरल, तो अगर अन्य कोई कोर्स आप लोग किए होंगे जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, चाहे कोई भी कोर्स हो गया हाई लेवल का, उनका आपको ब्यूरल यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक भर देना है और यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, तो इतना लिख कर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे बाद अभी वीडियो में नहीं समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम इसे हम हार्ड कॉपी पर निकाल कर पूरा भर कर दिखा देंगे, जैसे अपना ही भर देंगे कि क्या क्या भरना है पूरा डिटेल।